इस लाल कलर के बटन को दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर की शैतानियत के किस्से। महान नहीं, शैतान था अकबर। अकबर के समय के इतिहास लेखक अहमद यादगार ने लिखा, बैरम खान ने निहत्ते और बुरी तरह घायल हिंदू राजा हेमू के हाथ पैर बांध दिए और उसे नौजवान शहजादे के पास ले गया और बोला, आप अपने पवित्र हाथों से इस काफिर का कत्ल कर दें और गाजी की उपाधि कबूल करें। और शहजादे ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस तरह अकबर ने 14 साल की आयु में ही गाजी यानी काफिरों का कातिल होने का सम्मान पाया। इसके बाद हेमू के कटे सिर को काबुल भिजवा दिया और धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया। अबुल फजल ने आगे लिखा, हेमू के पिता को जीवित लाया गया और नासिर उल मलिक के सामने पेश किया गया, जिसने उसे इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। किंतु उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, मैंने 80 वर्ष तक अपने ईश्वर की पूजा की है, मैं अपने धर्म को कैसे त्याग सकता हूँ। मौलाना परी मोहम्मद ने उसके उत्तर को अनसुना कर अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इस विजय के तुरंत बाद अकबर ने काफिरों के कटे हुए सिरों की एक ऊंची मीनार बनवाई। 2 सितंबर 1573 को भी अकबर ने अहमदाबाद में 2000 दुश्मनों के सिर काटकर अब तक की सबसे ऊंची सिरों की मीनार बनवाई और अपने दादा बाबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी घर का रिकॉर्ड घर में ही रहा। अकबरनामा के अनुसार 3 मार्च 1575 को अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतने सैनिकों और नागरिकों की हत्या कराई कि उससे कटे सिरों की 8 मीनारें बनाई गई। यह फिर से नया रिकॉर्ड था। जब वहां के हारे हुए शासक दाऊद खान ने मरते समय पानी मांगा तो उसे जूतों में भरकर पानी पीने को दिया गया। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल मेतावाड़िया समेत 12,000 छत्रियों ने मुगलों के हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, विशाल गड्ढों में धधकती आग और दिल दहला देने वाली चीखों पुकारों के बीच उसमें कूदती 12,000 महिलाएं। अपने हरम को संपन्न करने के लिए अकबर ने अनेकों हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन शादियां की थी, परंतु कभी भी किसी मुगल महिला को हिंदू से शादी होने नहीं दी। केवल अकबर के शासनकाल में 38 राजपूत राजकुमारियां शाही खानदान में बिहाई जा चुकी थी। 12 अकबर को, 17 शहजादा सलीम को, 6 दानियाल को और 2 मुराद को और 1 सलीम के पुत्र खुसरो को। अकबर की गंदी नज़र गोडवाना की विधवा रानी दुर्गावती पर थी। सन 1564 में अकबर ने अपनी हवस की शांति के लिए रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया, किंतु एक वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद अपनी हार निश्चित देखकर रानी ने अपनी ही छाती में छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली, किंतु उसकी बहन और पुत्रवधू को बंदी बना लिया गया और अकबर ने उसे अपने हरम में ले लिया। उस समय अकबर की उम्र 22 वर्ष थी और रानी दुर्गावती की 40 वर्ष थी। सन 1561 में आमेर के राजा भारमल और उनके 3 राजकुमारों को यातना देकर उनकी पुत्री को सांबर से अपहरण कर अपने हरम में आने को मजबूर किया। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की भी असमत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आरम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित थी जहांगीर काल के शासन में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा यह है कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी असमत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूस लिया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धज के भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती थी, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर महान उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देते थे। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते थे
तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था। चूंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ चार से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर सिया काजी को रख लिया, क्योंकि सिया फिरके में असीमित और अस्थायी साधुओं की इजाजत है। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है, अकबर के हरम में 5,000 औरतें थीं और ये 5,000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं। शहंशाह के महल के पास ही एक शराबखाना बनाया गया था। वहाँ इतनी व्यवसायी इकट्ठी हो गई कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। बैरम खान, जो अकबर के पिता जैसा और संरक्षक था, उसकी हत्या करके इसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता के समान स्त्री से शादी की। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती है, जिसे जजिया कहते हैं। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक जगह भी उल्लेख नहीं। केवल इतना है कि यह जजिया रणथंभौर के लिए माफ करने की शर्त रखी गई थी। रणथंभौर की संधि में बिंदु के सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवारों की सर्वाधिक सुंदर महिलाओं को मांग में लेने की एक नई परिपाटी बना रखी थी, और केवल बिंदु ही इस क्रूर रीति से बच पाया था। यही कारण था कि इन मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर की आग में जलने की हजारों घटनाएं हुई। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अकबर महान नहीं बल्कि एक शैतान था। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।